हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं मनाली की मोस्ट पॉपुलर प्लेस सोलांग वैली में। मेरे चारों तरफ की जो बर्फ है वो देख के आपको लग रहा होगा, थोड़ा जी ललचा रहा होगा कि यहां पर आप भी आएं। तो आप कैसे यहां पर आ सकते हैं और यहां पर कब आपको ऐसी बर्फ मिलेगी देखने को, और क्या हमेशा यहाँ ऐसे ही बर्फ होती है, यहाँ पर रोप वे के क्या चार्जेस हैं, रोप वे के उस पार जाने पर आपको क्या वर्थफुल है या नहीं है, यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, यहाँ पर खाने पीने के क्या रेट हैं, एक्टिविटीज़ के क्या रेट हैं, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए सोलांग वैली। सोलांग वैली के लिए मैं जा रहा हूँ अभी, और यहाँ पर ये कार है जो कि ये जनरली पैकेज वगैरह में आपको मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 1300 1400 1500 सीज़न के हिसाब से लगता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और पहुँचते हैं आप सोलांग वैली की तरफ। सोलांग वैली के लिए आपको प्राइवेट कार मनाली के मॉल रोड से ही मिल जाएगी, पर मनाली का पैकेज लेते हैं तो उसमें सोलांग वैली की ट्रिप इंक्लूड रहती है, नहीं तो आपको अलग से कार के लिए 1200 से 1500 के बीच देने पड़ेंगे। पैकेज के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज ही गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ जो है वो स्टार्ट हुई है जाने के लिए, कल तक नहीं जा रही थी, 4x4 केवल गाड़ियाँ जा रही थी, और परसों तो भाई एकदम ही क्लोज हो गया था क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वहाँ तक बाइक भी नहीं जा सकती है, तो बाइक से नहीं जा रहा हूँ मैं, और जनरली बाइक वगैरह भी चली जाती है और जाते ही हैं लोग, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो तो इसका रिस्क ना ले और आप कार वगैरह से ही जाएं। कार कंफर्टेबल भी होती है, ठंड से भी आपको बचाव करती है, और बाकी आराम से भी पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता है। आज धूप नहीं थी और गूगल की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आज स्नोफॉल होने का भी चांस था, और रोड से बर्फ हटाने का काम भी लगा हुआ था। सफ़र की शुरुआत हो गई है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही मैं अभी गाड़ी यहाँ पे रुकवाया हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई है। जनरली क्या होता है कि सोलांग वैली में ही जाके आपको ऐसी पूरी बर्फ़ देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी कह रहे हैं कि लगभग 5-5, 6-6 फीट बर्फ़ पड़ी है। देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा होगा, अभी आगे वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। बाकी यहाँ से तो अमेजिंग व्यू ये दिख ही रहा है, और जो हमारी बेस रिवर है, ब्यास नदी है, वो भी उधर पीछे की तरफ जा रही है, पाइन ट्रीज़ वगैरह दिख रहे हैं, और इधर यही रोड जाती है सोलांग वैली की तरफ। एक रास्ता रोहतांग की तरफ कटता है और दूसरा जो अटल टनल वाला है वो सोलांग की तरफ। तो चलते हैं, दिखाता हूँ क्या क्या है आगे। सोलांग वैली के रास्ते ज़्यादा घुमावदार नहीं है, फिर भी आप कुछ लाइट फूड ही खा कर जाएं, और गर्म कपड़े जैसे जैकेट, ग्लव्स, विंटर कैप, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स और सनग्लासेस साथ में जरूर रखें। जब आप सोलांग वैली जाते हैं तो रास्ते में जो गाड़ी वाले हैं वो इस जगह पे रोकेंगे, इस पॉइंट पे, जहां पर आपसे स्नो ड्रेसेस वगैरह खरीदने के लिए बोलेंगे और शूज़ वगैरह के लिए बोलेंगे। आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि ज़रूरत ऐसी कुछ खास पड़ती नहीं है, और अगर आप स्नो एक्टिविटी करना चाहते हैं, थोड़ा गंदे वगैरह अपने कपड़े बचाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। 250 रुपये के आसपास अगर लग रहे हैं तो ऐसा बुरा भी नहीं है, और शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं, ऐसे शूज़ वगैरह गीले हो जाते हैं जब इतनी बर्फ़ होती है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है तब थोड़ी नीड इसकी है अभी, बट नॉर्मल अगर मई जून में आते हैं या फिर और भी किसी टाइम में आते हैं तो इतनी नीड होती नहीं है। अभी भी वैसे देखेंगे ऊपर जाके नीड होती है कि नहीं, वो मैं भी बता दूंगा। और बाकी यहाँ पे आप चाहें तो शूज़ वगैरह ले सकते हैं, ऊपर भी मिलती है शूज़, ऊपर से भी आप ख़रीद सकते हैं। और रोहतांग भी जाएंगे तो गाड़ी वाले यहाँ पे रोकेंगे और आपको इंसिस्ट भी करेंगे कि आप ले लें, लेकिन बाकी मौसम में तो मुझे अब तक जब भी गया हूँ मैं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, मतलब इससे कम बर्फ़ जब तक रही है तो ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब इस बार देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा। इसी रास्ते पर नेहरू कुंड भी पड़ता है, और यहीं कुछ मंदिर भी हैं जहां आप 10 मिनट के लिए रुक सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। इस रूट पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है, और उन्हीं में से एक पॉइंट पर जाकर हमारी गाड़ी रुक गई।
जनरली अगर आप आते हैं थोड़ा और लेट में, अभी लगभग बज रहे हैं 11 सुबह के, तो यहाँ पे आपको गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिलेगी क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी होता है। लेकिन अभी बर्फबारी, अभी मतलब एक तरह से आज ही खुला है तो थोड़े टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं तो थोड़ा ट्रैफिक होता है। थोड़ा जल्दी आप सुबह में यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो कम मिलेगा और आप आराम से जा पाएंगे। बाकी ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक टैंगो चार्ली मूवी थी, उसमें शूटिंग हुई थी। बॉबी देओल, पता नहीं कौन किसको शूट वूट किया था। अजय देवगन ने बम लगाया था यहीं पे। हाँ ये बताएगा अजय देओल, अजय देवगन। हाँ ठीक है, अच्छा खासा उसके पीछे अच्छा क्रिंज वाली हुई थी। हाँ तो ये सब हुई थी, तो यहाँ पे बम बम लगाए थे वो लोग। बाकी बाय द वे बहुत ही अच्छा है इस टाइम यहाँ पे भी, जो पूरी वैली लग रही है चारों तरफ, एक नज़र अगर आप घुमाएंगे तो एकदम वाइट सफ़ेद चादर क्लीन, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और रुक रुक के जाएं, सोलांग की ट्रिप में जनरली ड्राइवर्स जाते नहीं हैं रुक रुक के, बट आप बात कर लें थोड़ा सा और पहले से बात कर लें कि थोड़ा रुक के जाएं, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट कहीं पर भी, तो ऐसे थोड़ा आपको मज़ा भी आएगा और हर पॉइंट्स को आप एंजॉय कर पाएंगे। बीच बीच में कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है, खाने पीने का भी अरेंजमेंट होता है, वो सब भी चीज़ें होती हैं। बाय द वे जल्दी से पहुंचते हैं सोलांग वैली। मनाली से सोलांग वैली का 13 किलोमीटर का सफर 45 मिनट्स में पूरा हो जाता है, पर जब यहाँ ट्रैफिक होता है तो इसमें आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। हालांकि हम यहाँ 1.5 घंटे में रुकते रुकते ही पहुंच गए। सोलांग वैली मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी मेन जगह आपको मैं ले जाता हूँ। जनरली यहीं पे लोग उतर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है और यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी होता है, तो बेटर होता है कि यहीं पर उतर जाए आधा किलोमीटर पहले। और आगे मैं ले चलता हूँ, फिलहाल यहाँ का पहले दिखाता हूँ आपको, बाकी आपको जूते वगैरह के लिए बहुत लोग मिलेंगे और ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। कितना लगता है भाई इसका, कितना लगता है? 500। कितनी देर का? 5 मिनट की राइड के लिए 500 अगर आप देना चाहते हैं तो। हाँ 100 रुपये पर मिनट अगर देना चाहते हैं तो ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ उतरते ही आपको यहाँ पर भी बूट और स्नो ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। जूते कितने हैं? 100 रुपये में। और कपड़े वगैरह पूरा सेट देंगे 150। 150 में पूरा सेट? 250 में। 250 में? 250। चलो नहीं ठीक है, तो यहाँ पर आपको 250 में यहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो नीचे से लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे आके देख ले ठंड कैसी है। और हाँ 150 तक में भी मिल जाएगा, 100 में भी दे देंगे अभी थोड़ी देर। हाँ पूरा सेट मिल जाएगा और यहाँ पर आकर आप पहले देख ले आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है, फिर उसके बाद ले। यहाँ से आधा किलोमीटर आगे बढ़कर हम फाइनली सोलांग वैली तक पहुँच गए और यहाँ का व्यू सच में देखने लायक था। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सोलांग वैली में और ये आप देख रहे होंगे पूरा प्लेन, यहाँ पे आपको दूर दूर तक बर्फ दिख रही होगी। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको पूरा दूर दूर तक एकदम बर्फ का मैदान दिखेगा और जो आप वो देख रहे हैं वो रोपवे है और स्कीइंग सेंटर है, तो वहाँ से रोपवे से आप ऊपर तक जा सकते हैं। वो भी मैं पता करता हूँ क्या चार्जेस वगैरह हैं और वहाँ तक ले जाता हूँ। और बाकी ये सब चीज़ें भी हैं यहाँ पर, कई सारी एक्टिविटीज़ वगैरह है जो आप कर सकते हैं। भैया क्या चार्ज है इसका? 500 रुपये एक आदमी। कितनी देर कराते हैं? राइड होता है। अच्छा एक राइड होता है, तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसकी राइड भी कर सकते हैं, 500 रुपीज़ है। बाकी बार्गेनिंग वगैरह थोड़ा ज़रूर कर लें आप लोग। और भी बाकी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर भरपूर स्नो थी जहाँ कई सारी स्नो एक्टिविटीज हो रही थी। आगे ब्रेक पीछे स्पीड, आगे तरफ ब्रेक रखो, भाभी घुटने मोड़ो घुटने मोड़ो घुटने मोड़ो और तेज और तेज। अगर आप स्नो ट्यूब राइड करना चाहते हैं तो आपको 100 से 200 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अगर याक या स्नो वॉल के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते हैं तो 50 से 100 रुपए तक लग सकते हैं। बाकी स्कीइंग करना चाहते हैं तो 250 रुपए तक एक पर्सन के लगते हैं।
सोलांग वैली में बर्फ किस हद तक गिरी है वो देखिए। पूरी की पूरी ऑल्टो डूब चुकी है और गजब लग रहा है यार, मतलब बस बस। थोड़ा सा और इसको कितने का है? 30 रुपए का है ये। ओके, तो 30 रुपए की पानी की बोतल है और प्राइस जेन्यून है, सही है, आप ले सकते हो यहाँ पे। और बाकी मैगी वगैरह कितने का है? 50 का मैगी है, एक प्लेट मिल जाएगा आपको। और ऑमलेट और चाय? ऑमलेट 50 का ही है, बाकी चाय 20 का रहेगा। ऑमलेट 50 का है, चाय 20 का है, तो यहाँ पे आके ले ले। ऊपर आते हैं ये लोग, बेचते हैं ऊपर आके, तो इसको आप ले सकते हैं। ये भी 30 का है। ये 30 का ड्यू है, 30 रुपए का पूरा रेशियो, छोटू ड्यू। हाँ, इतना 20-30 रुपए। नहीं ठीक है, आप लोग इतना ऊपर लाते हो तो इतना लेना ठीक है जन्यू ने। तो अभी यहाँ पे स्नोफॉल हल्की हल्की होने लगी है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बर्फ हल्की हल्की गिर रही है फेस पे पूरा एकदम साफ। हाँ, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये बढ़ जाए, तब आएगा असली मजा। यहाँ पर खराब मौसम की वजह से अभी पैराग्लाइडिंग क्लोज थी, और यहाँ दो तरह की पैराग्लाइडिंग होती है। पहली हाई फ्लाई, जिसमें रोपवे से ऊपर ले जाते हैं और काफी ऊपर से पैराग्लाइडिंग होती है, जिसके 3200 रुपीज चार्ज है इंक्लूडिंग रोपवे चार्ज। दूसरा शॉर्ट फ्लाई, जो कि थोड़ा नीचे से ही होता है और इसका 1000 रुपए पर पर्सन चार्ज है। बुकिंग काउंटर्स भी यहीं पर बने हुए हैं। यहाँ पर आसपास में चलते फिरते ध्यान भी रखें, क्योंकि कई स्नो एक्टिविटीज के चलते यहाँ एक्सीडेंट के भी होने के चांसेस होते हैं। ये रहा रोपवे का टिकट काउंटर, और दो टिकट हमने ले लिए हैं। 700 का एक टिकट पड़ा है, जो कि सुबह 10:30 बजे से ये काउंटर ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। हालांकि 5 बजे आप 3 बजे तक ही चले जाएं, क्योंकि 5 बजे रिटर्न का टाइम होता है, तो जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और वहाँ पर भी क्या है अभी ऊपर जाके देखते हैं। ये रही हमारी रोपवे, और इससे अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। आ गए हम रोपवे के अंदर। रोपवे से आपको ऊपर पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, और ये हाइट समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की है, जहां हर तरफ बर्फ से लदे पहाड़ दिखते हैं। ऊपर की तरफ आ चुके हैं हम, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ टॉप पर पहुँचने के बाद आपको काफी सुकून भरे नजारे देखने को मिलते हैं, और ये प्लेस आपको काफी रोमांटिक भी लगेगी। इतनी हाइट पर आपके मोबाइल के नेटवर्क भी अच्छे से काम करते हैं, और नीचे के कंपैरिजन में काफी शांति भी मिलती है। तो अभी मैं आ चुका हूँ सोलांग वैली से रोपवे के थ्रू एकदम टॉप पर। अब टॉप पर क्या है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप पर आपको इस तरह का कुछ व्यू देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पूरा आपको ऊपर तक दिखेंगे तो वैली थोड़ी सी दिखेगी, और ये आपको पूरा स्नो एकदम सफ़ेद और एकदम साफ सुथरी दिखेगी। अब यहाँ पर वर्थफुल है कि नहीं वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आना अगर ऊपर रोपवे से आते हैं, अगर आपको जैसा कि अभी टाइम चल रहा है, जहाँ नीचे आपने देखा होगा तो लगभग इसी तरह की स्नो देखने को मिल रही होगी, लेकिन टूरिस्ट ज़्यादा हैं, तो अगर अभी आते हैं तो आपको उतना वर्थफुल नहीं लगेगा। जस्ट अगर घूमना है तो आ सकते हैं, लेकिन जब नीचे बढ़िया बर्फ़ नहीं होती है, या फिर काफ़ी काली हो जाती है, या फिर गंदगी हो जाती है, तो उस टाइम आना यहाँ पे आपके लिए वर्थफुल होगा, और उस टाइम आपको यहाँ पर इस तरह की बर्फ़ देखने को मिलेगी जो कि सोलांग में शायद ना मिले। तो अगर आप फरवरी मार्च या अप्रैल स्टार्ट वगैरह में आते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी बर्फ़ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, सोलांग वैली में उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। और बाकी यहाँ पर भी अपना ही मज़ा है, अपनी ही खूबसूरती है यहाँ की भी। यहाँ पर कोई भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस आप आए, क्वालिटी टाइम बिताएं। कपल हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा यहां पर आ जाएं, आपको अच्छा लगेगा, शांत है और वैली का बेहद खूबसूरत व्यू भी है। सोलांग वैली में आप चाहे तो स्टे भी कर सकते हैं, जहां आप 1500 से 2000 रुपए पर नाइट के देकर रुक सकते हैं। और यहां आसपास में कुछ शॉप्स भी हैं, जहां पर आपको डेली नीड की चीजें भी मिल जाएंगी।
रितेश जा रहा है पता करने वाइन और बियर की शॉप पे कितने का सोलांग वैली में मिलती है ये चीज़ें, यहाँ पर भी अवेलेबल है। रितेश पता करके आ गया है और अब बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। बताता हूँ, रुक जाइए, अभी ठीक करके देता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे, आप मनाली से यहाँ में मात्र 20 रुपये का फ़र्क है। जो केन 160 का वहाँ मिलता था, यहाँ पे 180 का है। अच्छा। और जो बॉटल 180 का था वो 200 है, तो बहुत ज़्यादा। 250 का भी कुछ बताया था, 250 का वो उसका दूसरा है, वो ब्रांड अलग। ऊना नंबर वन रम लिखा हुआ है 260 रुपए का वाइन है वो। अच्छा। हम बियर के बारे में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो मतलब नीचे 20 रुपए का, नीचे से अगर आप लेते हैं तो 20-30 रुपए 40 रुपए का मार्जिन रखें, बस इतना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, यहाँ पे आकर ड्रिंक कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ। सो यहाँ पर अभी आप जो ये व्यू देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग व्यू है और बहुत ही प्यारा। हमारे हाथ में कैमरा, तुम बच जाओगे। सोलांग वैली में मेरे चारों तरफ अभी बर्फ ही बर्फ दिख रही होगी आपको, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे वेदर है, बहुत ठंड लगी ही नहीं रही है, केवल हुडी पहनी है, अंदर एक दो टी शर्ट की इनर आप कह सकते हैं ये पहनी हुई है। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं मेन सोलांग वैली का, सोलांग नाला भी बोलते हैं इसको, और सोलांग नाला में आप यहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन नाला जैसा कुछ यहाँ पे फीलिंग नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखेगा पूरा बर्फ ही बर्फ दिखेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि हर मौसम में ऐसी बर्फ सोलांग वैली में होती नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर कि बर्फ ही मिलेगी, लेकिन हमेशा यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर कभी कभी जैसे मार्च अप्रैल के बाद आपको यहाँ पर बर्फ़ नहीं मिलेगी, या फिर मिलेगी भी तो वो इस तरह की क्लीन एकदम साफ़ सुथरी नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसी बर्फ़ देखनी है तो आप आएँ जनवरी फरवरी मार्च के स्टार्टिंग पीरियड तक आएँ, तो यहाँ पर इस तरह की क्लीन एकदम बर्फ़ मिलेगी और बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि रेगुलर यहाँ पे स्नोफॉल बीच बीच में होता रहता है, और इस टाइम तो काफ़ी अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, तो ये समा पूरा बन गया है और यहाँ पे बैठे स्नोमैन बनाएं, क्वालिटी टाइम बनाएं, एंजॉय करें। आप देख रहे होंगे सभी लोग मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पे एक अलग ही मोमेंट आप बना सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, किसी के साथ भी आ सकते हैं, एंजॉय ज़रूर करेंगे आप सोलांग वैली को। अगर आप स्कीइंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर सोलांग वैली में ही ये है स्कीइंग सेंटर सोलांग नल्ला की, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्कीइंग वगैरह सिखाई जाती है और काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते भी हैं। ये पूरा इंस्टीट्यूट है और काफ़ी पहले से और काफ़ी पॉपुलर है ये, तो यहाँ पर अगर स्कीइंग की ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। सोलांग वैली की बर्फीली वीडियो आपने देख ली होगी और अब कुछ मेन बातें यहाँ की खर्चे से रिलेटेड कर लेते हैं। सोलांग वैली की पूरे दिन की ट्रिप होती है और यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है, मतलब कि यहाँ पर जो भी खर्चा है वो आपका यहाँ तक पहुँचने का खर्चा है, जो कि आपका 1200 से 1500 रुपए ऑल्टो का या फिर छोटी गाड़ियों का खर्चा लगता है। सीजन के अकॉर्डिंग रेट्स ऊपर नीचे भी होते हैं। और अगर आप यहाँ पे पैकेज लेते हैं तो पैकेज में सोलांग वैली की ट्रिप इंक्लूड रहती है, मतलब कि 6000 रुपए का मनाली का अगर आप पैकेज ले लेते हैं तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट डिनर यहाँ पर स्टे यानी कि होटल और साथ ही साथ दिल्ली से आना जाना और साइट सीन मिल जाता है सोलांग वैली की ट्रिप के साथ। तो आप चाहे तो 6000 रुपए का पैकेज भी ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बर्फ़ कब कब होती है। यहाँ पर आपको जो बर्फ़ मिलेगी ऐसी जो आपने वीडियो में देखी है, वो आपको दिसंबर मिड से लेके आपको मार्च मिड तक देखने को मिल सकती है। उसके पहले या उसके बाद आपको बर्फ़ शायद मिले भी तो गंदी बर्फ़ मिलेगी या फिर बहुत कम बर्फ़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ऐसे टाइम में ऐसा नहीं है कि सोलांग वैली बंद हो जाता है, तब भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और उस टाइम आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग या फिर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं और रोपवे से ऊपर तक भी जा सकते हैं बाकी टाइम भी। सो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो सोलांग वैली में अब आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, यहाँ पर जो मेन खर्चे आपके होंगे यहाँ तक पहुँचने का, फिर उसके बाद आपका यहाँ खाने पीने का कुछ खर्चा हो सकता है, रोपवे का खर्चा हो सकता है, और यहाँ पर जो भी आप एक्टिविटीज़ खर्च करते हैं उन पे खर्च हो सकते हैं। तो ये अगर टोटल किया जाए तो एक कपल पे आप मान के चल सकते हैं कि 4 से 6 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो सकता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो खर्चा होता है। बाकी आप कुछ खाएंगे पिएंगे है ही 500-1000 रुपये की चीज़ें, और बाकी जो खर्चे होंगे रोपवे के 750 रुपये पर पर्सन वो होंगे ही अगर आप जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं सोलांग वैली में और कुछ भी नहीं करते हैं, केवल स्नो से आप खेल कूद
सकते हैं, मजे कर सकते हैं, वादियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप जीरो मतलब शून्य रुपीस में घूम सकते हैं सोलांग वैली केवल पहुंच के। सो इतने खर्चे होंगे और यहाँ पर आपको सच में बहुत मज़ा आएगा अगर आप विंटर के टाइम में जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ये प्लेस वर्थफुल है और आपको ज़रूर जाना भी चाहिए। सो ओवरऑल ये बजट था, ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप 99 रुपीस की कंसल्टेंसी फ़ी पे करके, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। सो उससे भी आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।